नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम अपडेट बिहार यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के मौसम के बारे में और बात करेंगे आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान किस प्रकार का मौसम बिहार के क्षेत्रों पर रहेगा। विशेष तौर पर आज देर रात तक किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां बिहार के क्षेत्रों पर रहेगी, यानी कि आज 4 अगस्त की देर रात को भी भयंकर वर्षा की गतिविधियां बिहार के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और कल 5 अगस्त को भी मौसम बेहद ज़्यादा खराब रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 और 6 अगस्त को किस प्रकार का मौसम बिहार के क्षेत्रों पर रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार पधार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज बिहार के मौसम की सही व सटीक जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएगा ताकि आने वाले वीडियो में आपके जिले की, आपके शहर की मौसम जानकारी भी हम आप तक और भी सटीक रूप से पहुंचा पाए। दोस्तों, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम खराब रहा। विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी बिहार के कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां अभी भी दर्ज हो रही हैं और पिछले 4 से 5 घंटों के दौरान भी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज की गई। दक्षिणी पूर्वी, कुछ दक्षिणी पश्चिमी बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी घने काले बादलों की आवाजाही के बीच में और मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं के बीच में अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां, मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी कैमूर, रोहतास, जहानाबाद और कुछ गया, कुछ अलवर के इलाके हैं, साथ ही कुछ जो नालंदा नवादा के भाग हैं, जमुई बंका से लेकर विशेष तौर पर अब भी जमुई बंका, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा से लेकर इन क्षेत्रों पर मौसम खराब बना हुआ है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं और कई स्थानों पर आज देर रात तक मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी, जिसमें खासतौर पर पटना तक के क्षेत्र हैं, समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया के कई भाग हैं, साथ ही नवादा, नालंदा, अरवल के कहीं भाग हैं, गया के कहीं भाग हैं, साथ ही कुछ औरंगाबाद, जहानाबाद से लेकर जमुई से लेकर इन क्षेत्रों पर हल्की मध्यम बारिश से लेकर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां आज देर रात तक देखने को मिलेगी। कुछ बक्सर, भोजपुर से लेकर कैमूर, रोहतास तक के इलाके हैं, सिवान, सारण से लेकर वैशाली तक के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है आज देर रात तक। तो वहीं कल 5 अगस्त की बात करें दोस्तों, तो कल भी मौसम खराब रह सकता है। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी से लेकर जो समस्तीपुर तक के भाग हैं, दरभंगा से लेकर वैशाली तक के भाग हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण के कई भाग हैं, इन क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकता है और मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां कल भी यहां पर देखने को मिलेगी। बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद से लेकर रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया के कई भाग हैं, अरवल से लेकर शेखपुरा तक के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर भी मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां कल भी जारी रहने की संभावना है। जमुई बंका से लेकर लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सरसा, मधेपुरा से लेकर सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के कई इलाके हैं, भागलपुर से लेकर बंका तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी लगातार कल भी मौसम खराब रह सकता है, यानी कि 5 अगस्त को भी यहां पर मौसम खराब रहेगा। तो वहीं 6 अगस्त को भी, यानी कि 6 अगस्त को भी बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावना है। विशेष तौर पर दक्षिणी पूर्वी बिहार, यानी कि जो जमुई बंका, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, सरसा, मधेपुरा से लेकर सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के भाग हैं, कुछ जो दक्षिणी पश्चिमी जो बिहार के इलाके हैं, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना के कहीं भाग हैं, बेगूसराय से लेकर अरवल, जहानाबाद से लेकर गया के कहीं भाग हैं, लखीसराय से लेकर बेगूसराय, नवादा, नालंदा के कहीं भाग हैं, इन क्षेत्रों पर भी 6 अगस्त को भी मौसम खराब रह सकता है। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूँ बिहार के क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाने की संभावना है, लेकिन 5 और 6 अगस्त को मौसम बिहार के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकता है और ज़्यादातर इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। दोस्तों, आगे की पल पल की जानकारी हम हमारे YouTube चैनल मौसम अपडेट बिहार पर आपको देते रहेंगे, आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहेगा। आने वाले दिनों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, विशेष तौर पर 7 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में भी आपको आगे की वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।